मैंने जो कल नशे वाली स्टोरी डाली थी उस पर एक रिप्लाई आया कि ये रील्स भी तो एक नशा है। बिल्कुल सही बात है। देखो, एडिक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइंस समझना होगा कि एक केमिकल होता है डोपामिन, जो हमारा दिमाग तब रिलीज़ करता है जब हम कोई प्लेजर मिलने वाली एक्टिविटी करते हैं। जैसे अगर आपको खुशी चल रही है, आप खुजा भी लेते हो, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज़ करता है। अब होता क्या है, रील्स ईजी डोपामिन है, यानी कि आप जितनी रील्स स्क्रॉल करते हो, आप रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो, आपके दिमाग को डोपामिन शॉट मिलता जा रहा है एंड आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, ईजी डोपामिन। बुक्स पढ़ने से उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता। अब क्योंकि रील्स देख देख कर आपके दिमाग का डोपामिन टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, उसे ज़्यादा डोपामिन चाहिए, नहीं तो वो बोर हो जाएगा। तो बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, बुक्स पढ़ने में उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, तो उन चीज़ों में हमें मज़ा आना बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, रील्स की आदत लग गई, अब डोपामिन टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, अब इंसान स्विच करता है पॉर्न पर, उसमें क्योंकि और हाई डोपामिन मिलता है, उसकी भी आदत, बहुत एडिक्शन हो गया, उसकी भी आदत लग गई, डोपामिन टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, अब आपका दिमाग इससे भी बोर हो जाता है, अब वो क्या करता है, और इंटेंस पॉर्न सर्च करता है, और इंटेंस, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, फिर आप अजीब अजीब चीज़ें देखने लगते हो और उससे भी आप बोर हो जाते हो, टॉलरेंस लेवल और बढ़ गया है, फिर वो जाता है और हाई डोपामिन लेवल एक्टिविटी, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग, चलो एक सिगरेट पी ली रोज़ की, उसकी आदत लग गई, डोपामिन टॉलरेंस लेवल फिर बढ़ गया, आप उसको दो करोगे, तीन करोगे, चार करोगे, पाँच करोगे, बढ़ाते जाओगे, डोपामिन टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपको फिर एक सिगरेट में, दो सिगरेट में मज़ा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर शुरू होते हैं और सीरियस नशे, जिनमें और ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, जिनसे चरस, गांजा, अफीम, कच्ची पक्की, अद्धा पौवा, ये मैंने उमर शरीफ साहब के एक वीडियो में सुना था। देखो, अगर आप बोर हो रहे हो, ये बहुत बड़ी नेमत है बोर होना, आप बोर हो रहे हो तो बोर हो जाओ, किसी लाइन में लगे हो तो अपना मोबाइल मत निकालो, बोर हो जाओ। अब बोर होने से क्या होता है कि आपका डोपामिन टॉलरेंस लेवल नीचे आता है, आपका जब आप बहुत बोर हो जाते हो, आपके दिमाग को डोपामिन मिला ही नहीं, तो थोड़ा सा भी जब उसे मिलता है ना, आप बुक पढ़ रहे हो, उस वो भी उसे अच्छा लगने लग जाता है कि चलो कुछ नहीं यार, बुक्स पढ़ लो, उससे जो डोपामिन मिलता है अच्छा लगने लग जाता है। तो बोर होना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि अगर आप बोर हो रहे हो तो इसे बुरा मत समझो, बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम टू टाइम आपको बोर होने का एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि इस टाइम मैं बस बोर ही होऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, कितना भी मेरा दिल हो जाए फ़ोन निकालने का, मैं नहीं निकालूंगा। एंड जब आप देखो, जब इंसान बहुत भूखा रहे तो उसको टेस्टलेस खाना भी अच्छा लगने लग जाता है, जैसे आपका दिमाग को आप भूखा कर दोगे डोपामिन का, तो उसे बहुत छोटी सी एक्टिविटीज से भी जो डोपामिन मिल रहा है, वो एक्टिविटीज़ उसे अच्छी लगेंगी और आप करोगे। सो गेट बोर्ड।